Yeah, suppose we are having this scenario. This is the element, it's its priority. We can use or divide a one-way list node in this form. ये तो हो जाएगा प्रायोरिटी के लिए, ये हो जाएगा डेटा के लिए, ये हो जाएगा नेक्स्ट फील्ड के लिए. ठीक है, तो सपोज दिस इज द लिस्ट हियर, इट इज द फ्रंट एंड इट इज द रियर. रियर यहाँ पर है, या यहाँ रियर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि वी आर हैविंग अ सेंटिनल वैल्यू एट द एंड. सेंटिनल क्या होगा? नल वैल्यू. लास्ट नोड के लास्ट में क्या होगा? नल वैल्यू. ठीक है, तो इसकी प्रायोरिटी 1 है डेटा 58, इसकी प्रायोरिटी 3 है डेटा 21. तो यू कैन सी हियर द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रायोरिटी. ठीक है, ओके. अब अगर नया एलिमेंट ऐड करना है, इंसर्ट 40 विथ प्रायोरिटी 1, तो विल स्टार्ट चेकिंग फ्रॉम द फ्रंट नोड. इसकी प्रायोरिटी इससे कंपेयर की, दोनों की इक्वल है, तो ये कहाँ पे ऐड होगा? ये इसके बाद में ऐड होगा. क्यों ऐड होगा? क्योंकि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, इसकी प्रायोरिटी भी 1 है पर ये पहले इंसर्ट हुआ था, तो ये पहले डिलीट होना चाहिए, तो फ्रंट पे यही रहेगा. ठीक है, एंड न्यू एलिमेंट विल कम एट दिस पोजिशन. सो नाउ फ्रंट इज दिस एंड रियर इज दिस. ठीक है, ओके. नाउ हियर इंसर्ट 45 विथ प्रायोरिटी 2, तो ये यहाँ पे आ जाएगा. क्लियर है? नाउ डिलीशन ऑपरेशन, तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा सबसे पहले इसमें से? ये वाला डिलीट होगा. ये क्लियर हो गया? तो इसको एक बार इसके एल्गोरिथम देख लेते हैं. एल्गोरिथम भी ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे एरे वाले केस में थी. हम बिगिनिंग से लिस्ट को ऑर्डर्ड वे में मेंटेन करके चलेंगे. तो यहाँ बहुत सारे वेरिएबल चाहिए हमको. फ्रंट, रियर, ये दो पॉइंटर हो गए. डेटा, प्रायोरिटी, ये हमारे मेंबर्स हो गए जिनको हम एक्सेस करेंगे. लाइक फ्रंट डेटा एंड रियर प्रायोरिटी, या फ्रंट डेटा रियर डेटा, इस तरीके से. ठीक है, आइटम, नया वाला जो आइटम है उसकी वैल्यू हो गई. आइटम प्रायोरिटी, नए वाले वैल्यू की प्रायोरिटी हो गई. ठीक है, न्यू नोड, नया नोड जो क्रिएट करेंगे उसके लिए पॉइंटर हो गया. ये हमारे पास पीटीआर और प्री पीटीआर दोनों टेम्पररी पॉइंटर्स हो गए. ठीक है, तो बिगिन, इन द बिगिनिंग क्रिएट अ न्यू नोड यूजिंग द मैलॉक फंक्शन. अब नया नोड इंसर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? नया नोड क्रिएट किया, उसका एड्रेस किस में आ जाएगा? न्यू नोड में. उसमें वैल्यू असाइन कर दी हमने, न्यू नोड डेटा इक्वल आइटम एंड न्यू नोड प्रायोरिटी इक्वल आइटम प्रायोरिटी. क्लियर हो गया है? तो आफ्टर दिस वी आर हैविंग दिस सिचुएशन. तो यहाँ पे इसको पॉइंट कर रहा है न्यू नोड, और इसमें कुछ भी वैल्यू है और इसके नेक्स्ट में अभी कुछ भी नहीं है. ठीक है, ये हम एम्प्टी रखते हैं. अभी मैं चेक करेंगे क्यू एम्प्टी तो नहीं है पूरी तरीके से. अगर क्यू एम्प्टी है तो यही फर्स्ट एलिमेंट होगा, ये लास्ट एलिमेंट होगा. तो इफ फ्रंट इक्वल नल, देन सेट फ्रंट इक्वल रियर इक्वल न्यू नोड. तो फ्रंट और नल सपोज दोनों कहाँ पॉइंट कर रहे हैं? नल पे पॉइंट कर रहे हैं. तो एक ही एलिमेंट है, दोनों कहाँ पे आ जाएंगे? ये दोनों इसी को पॉइंट करेंगे. ठीक है, तो फ्रंट, इफ फ्रंट इक्वल नल, देन सेट फ्रंट इक्वल रियर इक्वल न्यू नोड एंड सेट फ्रंट नेक्स्ट इक्वल नल. फ्रंट नेक्स्ट इक्वल नल क्या किया मैंने? एक ही नोड होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? नल वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, और फ्रंट और रियर दोनों इसी को पॉइंट करेंगे. क्लियर? अदरवाइज इट मीन्स वी आर हैविंग एलिमेंट्स इन द लिस्ट. तो वट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द न्यू एलिमेंट इन द लिस्ट. कैसे करेंगे? विल स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट नोड, सेट पी टी आर इक्वल फ्रंट. विल रन अ लूप हियर, रिपीट स्टेप 6 to 7 अंटिल पी टी आर नॉट इक्वल नल. तो हमने क्या किया है, इसको टिल नल तक हमने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया है. और यहाँ पे क्या किया है, ये प्रायोरिटी कंपेयर किए हैं. इफ पी टी आर प्रायोरिटी लेस देन न्यू नोड प्रायोरिटी, नया नोड तो ये वाला हो गया, ये पी टी आर स्कैन करेगा लिस्ट को लास्ट तक और इसकी अप्रोप्रिएट पोजिशन फाइंड आउट हो जाएगी. तो हम क्या करेंगे, वी रिक्वायर अ दिस टाइप ऑफ पॉइंटर ऑल्सो हियर, प्री पी टी आर इक्वल पी टी आर एंड फैट पी टी आर इक्वल पी टी आर नॉक. तो ये प्री पी टी आर क्या करेगा, अगर आपको याद हो तो उसको फॉलो करेगा पीछे से. ठीक है, और उसकी लोकेशन मिलने के बाद उसको हम क्या करेंगे, वहाँ पर इंसर्ट कर देंगे. तो सेम ऑपरेशन वही हो रहा है जैसे एरे में हो रहा था. इन द केस लाइक वी आर मेंटेनिंग इट इन द ऑर्डर्ड फॉर्म, तो डिलीशन ऑपरेशन ईजी है और हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट कौन सा है ये फैच करना ईजी है. पर अनऑर्डर्ड वे में क्या होगा, डिलीशन टिपिकल होगा या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन होगी और हाई प्रायोरिटी एलिमेंट भी हमको सर्च ही करना पड़ेगा वहां पे. बट उसमें इंसर्शन ईजी हो जाएगा विद कॉन्स्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी. यहाँ पे डिलीशन और हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट फाइंड करना कॉन्स्टेंट टाइम हो जाएगा, बट इंसर्शन इसमें ऑफ एन टाइम कंज्यूम करेगा. ठीक है, डिलीशन ऑपरेशन सिंपल है, इसमें आई थिंक ज़्यादा बताऊंगा नहीं क्या है. आप लोगों को पता है डिलीशन कैसे करेंगे, जब फ्रंट पे डिलीशन करना है तो कैसे होगा, चेक करेंगे अंडर फ्लो, नहीं है तो चेक करेंगे फ्रंट इक्वल रियर,
फ्रंट और रियर को नल सेट कर देंगे, अदरवाइज फ्रंट को सिंपली इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, और वो नोड था उसको वहाँ से फ्री कर देंगे। नाउ क्लियर द प्रायोरिटी क्यू, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इट। अच्छा, ये अलग अलग जगह अलग अलग फॉर्म में है, ज़रूरी नहीं है अब जैसे हमने ऐसा किया कि ऐसे ही हो। अगर आप बुक में फाइंड करो तो वहाँ क्या कर रखा है, जो भी एलिमेंट्स हैं उन्होंने विदाउट यूजिंग टू क्यूज एक ही क्यू में ले रखा है, तो जो एलिमेंट्स को ले रहे हैं ना वो, अगर एलिमेंट की वैल्यू स्मॉल है तो उसको वो हायर प्रायोरिटी एज्यूम कर रहे हैं और विद अ सिंगल क्यू इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसके वहाँ पर, रदर देन मेंटेनिंग अ सेपरेट लिस्ट फॉर दिस, ठीक है। बट इट इज़ द बेस्ट वे, मीन्स वी आर हैविंग अ सेपरेट क्यू फॉर प्रायोरिटी एंड सेपरेट क्यू फॉर द डेटा, ठीक है। तो ये देखो ये कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इनकी, अनऑर्डर्ड एरे है तो ऐड करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, बट एक तो रिमूव करने में टाइम लगेगा और हाई प्रायोरिटी एलिमेंट फाइंड करने में टाइम लगेगा, बट ऑर्डर्ड एरे है तो ऐड करने में ओ ऑफ एन टाइम लगेगा, बाकी ये दोनों कॉन्स्टेंट रहेंगे।